सत श्री अकाल जी, पंजाब टुडे च तुहाडा स्वागत है। स्पैशल रिपोर्ट दे विच गल करांगे पंजाब दे डीजीपी दी। हुण पंजाब नूं नवा डीजीपी मिल सकदा है। मौजूदा डीजीपी वीके भवरा केंद्रीय डेप्यूटेशन ते जाण दी तैयारी दे विच है। इस संबंध दे विच उन्होंने पंजाब सरकार अते केंद्रीय गृह विभाग नूं एक पत्र भी भेजा। हालांकि ऑफिशियल तौर ते उन्होंने इस बारे हाले तक कोई जानकारी नहीं दित्ती है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले मामले विच सरकार डीजीपी भवरा तों नाराज़ है। इस वजह तों आम आदमी पार्टी नूं संगरूर दे विच हार भी झेलनी पई। वीके भवरा केंद्र दे विच गए तां फिर गौरव यादव नवे डीजीपी बन सकते हैं। यादव नूं सीएम भगवंत मान दा स्पैशल प्रिंसीपल सैक्रेटरी बनाया जा चुका है। इस दौर दे विच स्पैशल टास्क फोर्स दे चीफ हरप्रीत सिंह सिद्धू दा भी नां शामिल है। ये दोनों अफसर हाल ही दे विच डीजीपी अहुदे ते प्रमोट हुए हैं। संगरूर हार तो बाद डीजीपी बदलन की चर्चा जोरों ते है। ते डीजीपी वीके भवरा नूं पिछली कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया सी। हालांकि चोणां तो बाद आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आ गई। इस तों बावजूद वह अपने अहुदे ते बने रहे। इस दी वड्डी वजह उन्हां दा किसी पोलीटिकल पार्टी या पावरफुल लॉबी दे नाल ना जुड़ना दस्सिया जांदा है। हालांकि सरकार बनन तो बाद ही सूबे विच विरोधी धिरां ने लॉ एंड ऑर्डर ते आम आदमी पार्टी की घेराबंदी कर रखी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड दे विच पुलिस की कमजोरी जाहिर हुई है, जिस विच सिक्योरिटी थ्रैट होने के बावजूद मूसेवाला की सुरक्षा घटा दी गई। इस वजह तो संगरूर चोणों दे विच सत्ता दे विच होने के बावजूद आम आदमी पार्टी हार गई। तय नियम तो डीजीपी बने ने वीके भवरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सीएम दी कुर्सी हटन तो बाद दिनकर गुप्ता नूं हटा दिता गया। उन्हां दी वजह पहला तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इकबालप्रीत सहोता ने डीजीपी बनाया। उन्हां दे खिलाफ उस वक्त पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोल लिया। फिर आखिर दे विच सरदार चट्टोपाध्याय नूं डीजीपी बनाया गया। यूपीएससी तो नाम आउण तो बाद पंजाब चोणां दे लई कोड ऑफ कंडक्ट लागू होण तो कुछ वक्त पहला वीके भवरा नूं डीजीपी बनाया गया। हालांकि हुण फिर तो चर्चा है कि नवे डीजीपी बन सकदे ते जल्द ही जिहड़ा है वीके भवरा ओह सेंट्रल डेप्यूटेशन ते जाणगे। हालांकि इह वी दस दिंदे है कि दिनकर गुप्ता इस तों पहला जिहड़े डीजीपी रहे, सरदार चट्टोपाध्याय तों पहला इकबालप्रीत सहोता डीजीपी रहे, उन्हां तों पहला दिनकर गुप्ता डीजीपी सीगे, उन्हां नूं वी केंद्र दे विच डेप्यूटेशन ते भेजा गया सी, जिथे कि हुण ओह एनआईए दे चीफ बन चुके ने। ते हुण देखणा होवेगा कि पंजाब दे नवे डीजीपी कौन हो सकदे हैं। हालांकि जिहड़ा ट्रेंड रहिंदा है ओह इही दिखांदा है कि जिहदी सरकार है सरकार अपने चहेतियां नूं डीजीपी बनांदी है। लेकिन फिलहाल जिहड़ा नाम सामने आ रहा है ओह यादव दा आ रहा है। हालांकि देखना ही होवेगा कि सरकार कद फैसला लेवेगी कि आखिर नवा डीजीपी कौन होएगा, पैनल कद भेजा जाएगा ते पैनल किस नूं फाइनलाइज करदी है। हालांकि सीनियोरिटी दे मुताबिक ही जिहड़ा डीजीपी बनाया जांदा है। हालांकि दस दिन ने कि पंजाब दे विच लंबे समय तो डीजीपी बदलते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने 6 महीनों दे विच पंजाब ने कई डीजीपी देख लेते हैं। तो देखना ही होगा कि गौरव यादव नूं डीजीपी बनाया जाता है या फिर होर किसी का नाम चर्चावां दे विच आता है। इस तो इलावा कानून व्यवस्था एक अहम जिहड़ा है सवाल बनया होया पंजाब सरकार दे लई, ते अहम होएगा कि छेती तो छेती जिहड़ा है पंजाब सरकार नवा डीजीपी नियुक्त करन तां जो लॉ एंड ऑर्डर नूं कंट्रोल किया जा सके। तो अजे ही होर स्पैशल रिपोर्ट्स के लिए तुसीं देखते रहो पंजाब टुडे। नाल दे नाल लाइक करो, सबसक्राइब करो ते फॉलो करो पंजाब टुडे। सत श्री अकाल।